हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 41 में और मैं गौतम कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं एंगुलर 17 के ट्यूटोरियल में। तो हम पहुंचे हैं एंगुलर राउटर के बारे में जानने के लिए। तो इस एपिसोड 41 में हम जानेंगे टाइटल सर्विस के बारे में। ये टाइटल, यस टाइटल सर्विस, अगर हम कैसे भी देखिए सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो उसके अंदर में कंटेंट चेंज कर रहे हैं तो हम टाइटल को कैसे चेंज करेंगे क्योंकि वो तो एक ही मेन एचटीएमएल पे रहता है, राइट? तो वो डायनेमिक कैसे हो सकता है? टाइटल तो पता है आप किसी भी पेज के ऊपर डालते हैं, है ना, टाइटल टैग के अंदर, उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो ये एक सर्विस है जो एंगुलर राउटर के अंदर में देते हैं, या फिर कह सकते हैं एंगुलर में हमारा एक सर्विस है जो टाइटल को चेंज करने के लिए हमें फैसिलिटी देता है। अ सर्विस दैट कैन बी यूज टू गेट एंड सेट द टाइटल ऑफ करेंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके अंदर दो मेथड्स आते हैं, सेट टाइटल, गेट टाइटल। सेट टाइटल्स से आपको पता है कि सेट करना है टाइटल को, और गेट टाइटल टाइटल को ग्रैब करना है, गेट करना है। ओके, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें देखते हैं एपिसोड नंबर 40 में हमने क्या जाना था। एपिसोड 40 में हमने जाना था एक कॉमन राउट के बारे में। जनरली हम जो भी एक छोटा सा राउट अगर कोई बनाने की कोशिश करते हैं बेसिक, जिसमें कि हम एक पाथ देते हैं और डायरेक्टली कंपोनेंट को ला करके हम डालते हैं और वो कंपोनेंट को रेंडर कर देते हैं, राइट, और राउटर आउटलेट की मदद से। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो जा करके भी देख लीजिए। ये एक बेसिक है बट यह आपको पता होना चाहिए कि राउट एक्चुअली काम कैसे करता है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं टाइटल सर्विस को लेकर के जानने के लिए और वहाँ देखते हैं कैसे हम टाइटल को सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कोड पे। ओके, तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं कि हम अभी क्या चीज़ किए थे पिछले चैप्टर में, वो भी रिकॉल हो जाएगा। तो अगर मैं रन करूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ कि हमारे पास है यहाँ पर लॉग इन वर्क्स। तो ये लॉग इन वर्क्स हो रहा है उसी चीज़ से, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लैंक पे login.html को, login कंपोनेंट को कॉल किया था, राइट। अगर हम यहाँ पर स्लैश login कर देंगे तो इस जगह पर जब login हम डालेंगे यहाँ पर ब्राउज़र, ये हट जाएगा यहाँ से, ये एरर दिया, पाथ कैन नॉट बी स्टार्ट विथ स्लैश, सॉरी, हाँ मेरी गलती है, मैंने स्लैश डाल दिया, एक्चुअली वो जाता है html के अंदर में, डायरेक्ट राउट पे जाता है। तो login डाला राउट, तो ये हो जाएगा सही हमारा। ओके, कम ऑन, रिलोड हो रहा होगा उधर, हाँ यहाँ पे कुछ एरर दिया ये, एक्चुअली इसको मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा, npm start। हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो कि स्टक हो जाए आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट, तो उसको दोबारा रिस्टार्ट कर लीजिए। तो ये हमारा प्रोग्राम रिस्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर अब ये लोड हो जाए। यस, देखिए यहाँ से हमारा login.html login का जो वो टेक्स्ट आया था वो हट चुका है। अगर हम यहीं पर स्लैश login डालेंगे तो वो हमारा लॉगिन वाला पेज ला देगा, राइट, लॉगिन कंपोनेंट को लोड कर देगा। तो ये था हमारा बेसिक चीज़। अब मेन चीज़ क्या है कि ये जो हमारा टाइटल है, जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट लिखा हुआ रहा यहाँ पर, इसे हमको चेंज करना है। ओके, तो ये टाइटल की मदद से करेंगे। अगर हम मान के चलते हैं कि इस राउट पे गए तो यहीं पर हमारा एक एट्रीब्यूट आता है, वो होता है टाइटल। वो आप एक टाइटल इस जगह पर दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप देना चाहें दीजिए, नहीं देना चाहें मत दीजिए। अब इसमें अगर हम डाल देते हैं कोई भी टाइटल का नाम, जैसे मैंने कर दिया लॉगिन पेज, तो देखते हैं उस तरफ क्या होता है। सेव कर दिया, लॉगिन पेज टाइटल में डाल दिए, अब ये रिलोड होगा, देखते हैं चेंज होता है। यस, देखिए लॉगिन पेज चेंज हो गया ना हमारे यहाँ पर, यस, तो ये लॉगिन पेज चेंज हो गया। तो अब उस टाइटल को आप कहीं और भी प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। चलिए हम गेट और सेट को बता देते हैं, क्योंकि हम ये जब एप्लीकेशन में आगे बढ़ेंगे तो हमें इस टाइटल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं कहाँ पर है ये लॉगिन कंपोनेंट डॉट इसमें कंपोनेंट में, चलिए लॉगिन कंपोनेंट में हम गेट करके देखते हैं। तो लॉगिन कंपोनेंट डॉट ts फाइल में जाते हैं यहाँ पर इसके अंदर में, और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, क्योंकि अगर हमको कोई भी सर्विस को यूज़ करना है तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर में उसको इंजेक्ट कराते हैं। तो इस जगह पर हम डालेंगे प्राइवेट टाइटल और सेम नाम रखते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी सर्विस को हम यूज़ करेंगे। टाइटल टाइटल TITLE। अब ये कह रहा है कि आप इसको इम्पोर्ट कीजिए प्लीज़। यस, मैंने इसको इम्पोर्ट कर दिया प्लेटफॉर्म ब्राउज़र से, ये आ गया हमारे पास।
अब इसको हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं गेट और सेट को। तो अगर गेट और सेट को हमको यूज़ करना है तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा एनजी ऑन इनिट। लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में भी जानेंगे तो अभी हम करते हैं इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट इधर डालते हैं, ठीक है, ऑन इनिट, स्पेस नहीं होगा, ऑन इनिट, यस। अब जब यहाँ हम इसको करेंगे लाइफ साइकिल हुक में एनजी ऑन इनिट, तो यहाँ पर वॉइड के साथ है, ऑटोमेटिकली आ गया। अब करते हैं दिस डॉट टाइटल डॉट करते हैं, देखिए मैं गेट टाइटल और सेट टाइटल आ गया हमारे पास। चलिए भाई गेट करके कोशिश करते हैं। तो ये मेथड है, ये कुछ भी इसमें आर्गुमेंट नहीं लेता है, पैरामीटर नहीं पास कर सकते इसमें, क्योंकि ये इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम कंसोल करने की कोशिश करते हैं, अगर इस पूरे को कंसोल करें तो क्या देगा हमारा, कंसोल डॉट लॉग, और इसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो रिजल्ट में जाके देखेंगे हम यहाँ पर इंस्पेक्ट में कि हमारे पास टाइटल क्या देता है कंसोल में। रिलोड हुआ, ये देखिए लॉग इन पेज दे दिया, यस। तो आपको ये कहीं भी आप शो कर सकते हैं, पेज के टाइटल को किसी जगह पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी जगह पे हम आते हैं सेट टाइटल, अगर इसी जगह पे हम जाए दिस डॉट टाइटल सभी से डॉट सेट टाइटल करते हैं। जब सेट टाइटल करते हैं तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग रिक्वायर मांगता है, देखिए ये क्या कर रहा है, आर्गुमेंट एक चाहिए बट आपने नहीं दिया, आर्गुमेंट फॉर न्यू टाइटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड। ये एक न्यू टाइटल क्या है, स्ट्रिंग है, तो आपको इसके अंदर स्ट्रिंग डालना है। तो चलिए मैं देता हूँ दिस इज लॉग इन टाइटल, ऐसा डाल देता हूँ लॉग इन पेज, ठीक है, लॉग इन, दिस इज लॉग इन टाइटल है लॉग इन पेज, ऐसा डाल देता हूँ, सेव करता हूँ मैं। अब जब सेव करता हूँ तो देखते हैं ये लोड होके क्या होता है, यहाँ पर दिस इज लॉग इन पेज, तो आपने यहाँ पर टाइटल चेंज भी कर दिया, ओके, जबकि आपने टाइटल यहाँ से राउटर में पास किया था, राइट, ऐप राउट में आपने यहाँ लॉग इन पेज भेजा था, लेकिन आपने यहाँ से उसको चेंज कर दिया। अगर इसको आप यहाँ से फिर से कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो ये आप वहाँ पर गेट टाइटल आपको जो पहले लॉग इन पेज देगा फिर आपको दिस इज लॉग इन पेज देगा, दोनों देगा आपको। तो ये चीज़ था हमारा टाइटल के बारे में, ओके। तो इसी तरीके से हम मेटा को भी, मेटा सर्विस भी है जिसमें डिस्क्रिप्शन, कलर्स, बहुत सारा चीज उसको यूज कर सकते हैं, इसके बाद हम उस पे भी आएंगे, ठीक है। तो वो दो छोटा छोटा चीज़ है, इस दोनों को कवर कर लेंगे ताकि हमको कंपोनेंट जब बनाने लगेंगे तो उस कंपोनेंट के टाइटल को ऑटोमेटिकली चेंज करते रहें, ओके। आई थिंक आपको एक वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, क्योंकि ये कमेंट करके बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि हम कैसा बता रहे हैं, किस फ्लो में जा रहे हैं। कमेंट नहीं करेंगे तो हमको लगता है बस एक स्ट्रीम लाइन में चले जा रहे हैं। थोड़ा सा मोरल बूस्ट होता है कि यस हमें कुछ बेहतर काम कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टॉपिक है अभी हमारे पास, अगर देखेंगे इसमें, अगर देखें टाइटल स्ट्रेटजी एक अलग है इस जगह पर, हम टाइटल भी बताएं, टाइटल स्ट्रेटजी भी अलग है यहाँ पर, ओके। ये सारे को हम कवर करेंगे, हर दिन मैं वीडियो डालता हूँ, इसलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए, और कमेंट कर दीजिए प्लीज़ जो भी आपको अच्छा लगे कि हम कैसा बता रहे हैं, ठीक है, और किस टॉपिक पे और चाहते हैं चैनल में बनाना वो भी आप डाल सकते हैं उस जगह पर, ताकि मैं उसे आगे बढ़ाता रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिएगा।